अभी तो ये लोग तो अभी तारीख लिए है और अभी इनकी पार्टी का कोई ठिकाना ही नहीं है। असल में यहाँ चाहे शान हिंद हो चाहे आसिफ हो, वो अलग अपनी पार्टी बनाए हुए है। चाहे जाज बेग हो, अभी यहाँ पे फिक्स नहीं है, मुफ्ती साहब का फिक्स हो गया। पक्का पार्टी कैंडिडेट है ही नहीं ना अभी यहाँ पर, तो अभी भी इसमें हमको शक लगता है कि किधर जाएंगे, कब खड़े हो जाएंगे मालूम नहीं किधर से। वापस उनकी लड़की आई है, अब वो लड़की जात को वो ये भी प्रचार करेगी लेडीज को ओढ़ दो तो फिर जेंट्स किधर जाएंगे। उसका प्रचार तो ये है कि भाई लड़की को फेस है, लड़की को ओढ़ दो, औरत लोग लड़की को ओढ़ दे तो फिर जेंट्स कहाँ जाएंगे। वोट मांगने का तरीका भी होना चाहिए, तो कहाँ से सियासत में कैसे आई कैसे सीखी मालूम। नमस्कार आदाब, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इलेक्शन के बाद। जर्नलिस्ट मजहर के साथ मालेगांव के एक और नए इलाके में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और उनके जहन में क्या ख्यालात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में राजनीतिक मैदान में काफ़ी सारी हलचल देखी जा सकती है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सारी सरगर्मियाँ, ये सारी एक्टिविटीज़ आपके सामने हम लोग पल पल की खबर रख सकें। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो यही है कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है। भैया आपका क्या नाम है? बिलाल है। कोई नाम दिमाग में, कोई चेहरा जिसे हम MLA देखना चाह रहे हैं आप? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। हाँ, तो कोई ख़ास वजह इनको सपोर्ट करने की? ये कि उनका काम है, पूरा शहर में उनका काम चालू है, काम अच्छा है। अच्छा है, बुराई पे इलेक्शन हो रहा है तो उनसे अच्छा लीडर तो कोई है नहीं फिर अभी गांव में। जबकि विपक्ष की तरफ से तो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उन्हें जब मौका दिया था जनता ने तब उन्होंने काम नहीं किया है। नहीं नहीं, अभी खुद जाके देख लो ना, पूरे गांव में उनका ही काम चालू है। कोई तो अभी कोई अहदे पे है नहीं, सेवा है उनकी, उनका ही काम चालू है। हम तो उनको ही देखना चाहें। चलिए ठीक जी। क्या नाम है सर आपका? हमजा रजा। अभी सर विधानसभा चुनाव आ रहा है तो कोई नाम है आपके जहन में जिसे आप आमदार देखना चाह रहे हैं? हम लोग तो आमदार यानी देखना चाहते हैं गांव में जो सबसे पढ़ा लिखा एजुकेटेड हो, जिसको हिंदी मराठी समझती हो जी, असम्बली में अच्छे मुद्दे पे अच्छे ढंग से यानी अपनी बात रख सकता, अपने शहर की नुमाइंदगी कर सकता, ऐसे शख्स को भेजना चाहिए जो यानी पढ़ा लिखा हो, उसको कम से कम मराठी और यहाँ का महाराष्ट्र की जबान जानता हो, संभलनी में अच्छी तरह से हमारे नुमाइंदगी कर सकता हो, यानी पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना वो बेहतर रहेगा। तो ऐसा कोई लीडर है अभी मालेगांव में? मेरे हिसाब से तो अभी शान हिंद है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है नित्य उम्मीदवारों में, फिर मुफ्ती साहब भी है, लेकिन मैं चाहता जिसको मराठी आए, जो एजुकेटेड ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ऐसे को जाना चाहिए, शहरियान ने ऐसे को वोट देना चाहिए। अगर हम मुफ्ती साहब और शेख आसिफ की बात करें, दोनों में से कौन आपको लगता है कि शहर के लिए बेहतर साथी? मुफ्ती साहब और शेख आसिफ, मेरे हिसाब से मुफ्ती साहब बेहतर है। अच्छा, अगर ये दो नाम दिए जाएं तो आपको लगता है कि मुफ्ती साहब बेहतर? साहब बेहतर है। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है ना, तो कोई ऐसा नाम है दिमाग में जिसे आप आमदार देखना चाह रहे हैं? मुफ्ती इस्माइल। तो कोई खास वजह उनको सपोर्ट करने की? अच्छे आदमी है वो। बाकी काम वाम हुआ है पिछली सरकार? करते ना काम, बहुत कर दो। अरे कोई नाम है जहन में जैसे MLA देखना चाह रहे हैं? अभी तो मुफ्ती इस्माइल का ही है। हाँ, मुफ्ती इस्माइल अभी सबसे अच्छे, अभी उनके ही लिए चालू है वो। तो कोई खास वजह उनको सपोर्ट करने की? अच्छे है वो, ध्यान ज्यादा देते हैं ये सब में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो अब्दुल सलाम चाचा है। अभी सर विधानसभा चुनाव आ रहा है। हाँ। तो कोई नाम, कोई चेहरा आपके दिमाग में जिसे आप आमदार देखना चाहते हैं? तो ऐसा है कि बताओ, नाम तो नहीं बोलूँगा जी, लेकिन यहाँ पर ऐसा रुझान है से हालात जो है, हाँ, 20-25 साल 40 साल कॉरपोरेशन एक आदमी के हाथ में था, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब MLA बने और यहाँ दीगर पार्टियाँ हैं, वो लोग का तो कोई उतना अमल दखल नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब के अंदर जो बात है ऐसा है कि भाई उनकी शख्सियत अच्छी है, शख्सियत के हिसाब से, काम के हिसाब से नहीं बोलते, शख्सियत के हिसाब से, और काम जो उनको अभी करना पड़ रहा है तो ये कॉरपोरेशन का काम है और वो है MLA का काम को मजबूरन कॉरपोरेशन का काम इसलिए करना पड़ रहा है कि यहाँ कॉरपोरेशन का काम हुआ ही नहीं इतने सालों से। अभी जितने भी रोड है नौरंग कॉलोनी तरफ देखो, 3 मरतबा अभी 3 साल में बन चुकी है, अभी आप जाकर देखो सब उखड़ी है। मालेगांव शहर में अपने जो बोलते हैं जो मुस्लिम एरिया है, यहाँ रोड है ही नहीं। रोड किसको बोलते हैं? रोड है ही नहीं, सिर्फ खड्डा है। अभी जो है जो भी लीडर है जो भी, अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन आया है
तो आप काम का जाल बिछ रहा है। मुफ्ती साहब तो ऐसा है अपोजिशन के लीडर होते हुए भी जो भी करा ले गनीमत। वजह है कि भाई अपोजिशन लीडर के हाथ में तो इतना फंड रहता नहीं है, इनका कराने का जो तरीका है वो अपने हिकमत अमले से करा लिए है। लेकिन यहाँ के लोग का बोलना ऐसा है कि भाई मुफ्ती साहब ने कुछ किया नहीं। भाई मुफ्ती साहब कहाँ से कर सकते हो, अपोजिशन के हैं, पोजिशन के अंदर आएंगे तो बराबर इंशाल्लाह। तो मतलब रियासती सतह पर जो बीजेपी की हुकूमत है उसकी वजह से दिक्कतें पेश आ रही है, फिर भी वो काम कर रहे हैं आप बोल रहे हैं। वो काम किए वजह है कि उनको उनकी हिकमत अमली से की है। वो किसी को परसेंट देना हो जो भी हो ये तो हर कोई करता है। वहाँ जाने के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ाता है, कोई असेंबली करता है, परसेंटेज का मसला रहता है। मिनिस्टरों को परसेंट दो तो काम होता है ना। तो ये काम करने की हिकमत अमली रहती है, यानी अपने को फंड मिलता नहीं है। एम एल ए फंड मखसूस रहता है। अब ये तो करोड़ों रुपये का यहाँ काम हुआ है, देखिए ये रोड बना है, ये भी रोड बना है, ये भी मुफ्ती साहब का काम। अभी नयापुरे में 2-4 रोड बने हैं और ऐसे शहरों में अभी मेन रोड 2 है। इससे पहले जो कॉर्पोरेशन में जो काबिज थे वो यहाँ पर मेयर रहते हुए भी कोई रोड बना नहीं। बरसों से यहाँ पर ब्रिज बन रहा है, खेड़े पहाड़े पर ब्रिज बन गया है, रोड बन गया है, सब कुछ बन गया है, यहाँ बने ही नहीं पाया। 25 साल वो ब्रिज को तो 9 साल हो गया है। मदाने मतलब 25-30 साल से कॉर्पोरेशन जिनके हाथों में है वो मिलजुल के करते हैं, वहाँ सब रहते हैं। परसेंटेज का मसला होता तो सब, लेकिन काम के जो मजबूती है वो काम नहीं किए। काम तो करते हैं भाई वो लोग बोलते हैं रोड पे काम देखो। वो रोड बाद में रहता है जब तो काम दिखेगा। बकरी पे पेशाब करती है तो गड्ढा हो जाता है। सीमेंट का रोड इससे पहले बनता था नहीं, हकीकत बात है कहीं। और अभी तो फिलहाल ऐसा है कि जो भी है गवर्नमेंट हाईकोर्ट की तरफ से जो आया है, और ये अभी अगर कोई गलत काम करेगा तो उसका बिल भी नहीं निकलेगा और वो जो भी मिनिस्टर हो एमएलए हो जो भी वो बदनाम होगा। लेकिन काम अभी थोड़ा पुख्ता आ रहा है, ये हाईकोर्ट की वजह से पुख्ता हो रहा है। हाँ, रुझान तो ऐसा है यहाँ ना, देखो काम तो हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि अपोजिशन लीडर आता है, किस्मत ऐसी है। रोलिंग अभी भी फिलहाल जो है मजबूरी है, यहाँ पे रोलिंग पार्टी नहीं है। हमने एमपी में दिया कांग्रेस के पार्लियामेंट को चुन के दिया 2 लाख वोट। तमाम लोगों ने ख़ास तौर से मुफ्ती साहब ने भी बहुत मेहनत की और लीडरों ने भी की, लेकिन तमाम लोग ख़ास तौर से वोटरों ने ज़्यादा मेहनत की क्योंकि एमपी में हमारे इतना परसेंट नहीं होता तो इतना परसेंट अपील हुआ है। ये वोटरों की और लीडरों के बोलने की जो तरीक़ाकार से बोले उस वजह से यहाँ पर एमपी जो आया है कांग्रेस का है। यहाँ तक कि भाई यहाँ कांग्रेस का एमपी आने के बाद मालेगांव शहर फिरका परस्ती की लाइन में आ गया, जबकि हकीकत ये है कि हमारा शहर जो है मुस्लिम है। तो हम तो यकजुट होकर वोट देंगे ना जी। जो गैर फिरका परस्त रहेंगे उसको वोट देंगे, वो कोई भी हो। हमने ये नहीं देखा कि कांग्रेस है या कोई, लेकिन गैर फिरका परस्तों को वोट दिया है, इसलिए यहाँ पे एमपी आया। और अभी भी रुझान जो है ना शख्सियत का है। मसला शख्सियत की ये कि 3 लोग हैं, एक लेडीज़ है, वो बेचारे के अब्बा थे तो बरसों से यहाँ थे, जो बुनियादी गलत है यहाँ पर, जिनकी बुनियाद यहाँ पर गलत है, उनका दिया हुआ सब कुछ झेल रहे लोग। वो वापस उनकी लड़की आई है, अब वो लड़की जात को वो ये भी प्रचार कर रही कि लेडीज़ को ओढ़ दो तो फिर जेंट्स किधर जाएंगे। उसका प्रचार तो ये है कि भाई लड़की को फेस है, लड़की को ओढ़ दो, औरत लोग लड़की को वोट दे तो भी जेंट्स तो कहाँ जाएंगे। वोट मांगने का तरीका भी होना चाहिए, तो कहाँ से सियासत में कैसे आए कैसे सीखी मालूम। और जो दो शख्सियत है, एक से आसिफ है और एक मुफ्ती इस्माइल है, ये तो यहाँ पहले से एमएलए है, लेकिन शख्सियत के हिसाब से यहाँ हमारी नज़र में मुफ्ती साहब अभी नज़र आ रहे हैं। वो तो हर कोई जाता है वहाँ पर, वो तो कुछ ना कुछ पार्टी फंड हो ये हो लोगों को चलाने के वास्ते सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन शख्सियत के हिसाब से अभी हमारे नज़र में, अब लोगों की नज़र में हमारी नज़र में हमारे जो सर्कल है हमारी नज़र में मुफ्ती साहब अच्छे दिख रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुफ्ती साहब के इख्तदार में आने के इम्कान हैं इस बार?
देखो इलेक्शन है आज, पहले हम तो इसको मैं बोल देता था ये कांग्रेसी है, इसको बोल देता ये जनता भी, मैं असल में इसके अंदर बहुत दिनों से रहता हूँ, ये भी रहता है, हम दोनों झगड़ा भी करते थे, लेकिन आज इलेक्शन ऐसा है कि कोई जो वोटर है वो खुल के नहीं आता कि मैं किसको, मैं तुमको कहाँ बोल रहा हूँ कि मैं मुफ्ती साहब को वोट दूंगा या आसिफ को दूंगा, हैं बताने मुकाबला ये दोनों में है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छाई की जीत होगी। मैं तो आपको बताया कि अच्छा हमारी नज़र में कौन। आपके भी यही ख्याल है सर या कुछ मुख्तलिफ हैं इससे? मैं नहीं, बस बराबर है जो भी है। अरे बोलो तू बात बोल दे बस चलेगा। वही आपके जो दोस्त ने बोला वही बस इलेक्शन है, वक्त पे किसकी वोटिंग कहाँ क्या हो जाएगी, पब्लिक है, हर तरह का चक्कर चलता है। पहले ऐसा रहता था ना कि भाई आदमी बता देता कि किसको। अच्छा अभी तो फाइनल ही नहीं किए कि फॉर्म, सिर्फ एक आदमी फाइनल किया वोट जो फॉर्म भर रहा है, अभी तो ये लोग तो अभी तारीख लिए है और अभी इनकी पार्टी का कोई ठिकाना ही नहीं है। असल में यहाँ चाहे शान हिंद हो चाहे आसिफ हो, वो अलग अपनी पार्टी बनाए हुए है, चाहे एजाज बेग हो, अभी यहाँ पे फिक्स नहीं हो, मुफ्ती साहब का फिक्स हो गया, पक्का पार्टी कैंडिडेट है ही नहीं ना अभी यहाँ पर, तो अभी भी इसमें हमको शक लगता है कि किधर जाएंगे, कब खड़े हो जाएंगे मालूम नहीं किधर से, अलग यहाँ पार्टी का नहीं रहेगा इंशाल्लाह, जो है शख्सियत का इलेक्शन। सबसे बड़ा मसला ये है कि मुस्लिम एरिया आबादी ज्यादा होने से इस शहर को फिरका परस्ती को उसमें झेल दिया जाता है और काम नहीं होता है। अब यहाँ पे बीजेपी का जो मुआवजना है वो हो ही नहीं सकता, इधर कोई बीजेपी वाला अच्छा आदमी होवे तो आदमी उसको करके देंगे ना, और फिर का अच्छा जो है भी अगर आधा जो काम करने वाले भी है तो दो हिस्सा हो गया है, आउटर हो गया है ना, तो बात ही खत्म हो गई आउटर की तो, और इधर की। अब मुस्लिम एरियो में तो कोई हिंदू ऐसा है नहीं क्योंकि सब एरिया अलग हो गया है, तो खड़ा आदमी किसको करेगा, कोई अच्छा इधर होएगा करने वाला ही अगर उस समाज का तो आदमी उसको सपोर्ट करेगा ना। अब वो तो इधर आते भी नहीं है, फॉर्म भरते भी नहीं है, कुछ रहते भी नहीं है, कभी इधर राउंड मारते हैं कि भाई हाँ चलो मुस्लिम एरिया अपन चलना चाहिए, अपन वोट मांगेंगे, खुलासा करेंगे, हाँ उनको सामने लाएंगे, समझाएंगे, तो ट्रोलिंग का आदमी जा सकता है चुन के। अब यहाँ तो हमेशा अपोजिशन गया है, तुम आज 2500 साल से देख लो अपोजिशन गया है और कोई काम काज होता नहीं, अपोजिशन में आगे कितना फंड लाएंगे, और गवर्नमेंट अपोजिशन वालों को ज्यादा देते भी नहीं है, वो अपने रोलिंग का पार्टी ढूंढती है और अपना आदमी ढूंढती है वो, कोई भी गवर्नमेंट आए हुए। तो खैर ये आवाम के ख्यालात हैं जो भी अभी आपने सुने, अब इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जी चलिए कोई बात नहीं, खैर आजादी है मगर दिमागी तौर पर आजाद नहीं है ना, डर है थोड़ा सा, डर कुछ नहीं नहीं लोगों में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें रहते नहीं डरेंगे, ऐसा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ जी, वोटर जो है ना वोट नहीं बताएंगे कोई भी वोटर अभी, क्योंकि जो है ना पोजीशन अभी सही इलेक्शन की आई नहीं, आपको मैं बोला ना अभी दोनों तो बगैर पार्टी, अभी 10 से 12 दिन रहेगा ना, तो जब इलेक्शन तारीख 29 तारीख के बाद सारे रिजल्ट सामने आ जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, 4 तारीख को जब सब वापस होंगे। अभी आपने जो बोला कि भाई मुफ्ती साहब का, अभी रुझानात मुफ्ती साहब की तरफ ज्यादा है, मैं तो बोलता हूँ कि 80% रुझानात है, लेकिन अभी इलेक्शन आगे है, पार्टी का सवाल उन लोगों ने पहले डिक्लेयर कर दिया, इन लोगों ने कोई पक्का डिक्लेयर ही नहीं किया ना अभी तक, तो इनका अलग झंडा डंडा है, इनका अलग झंडा डंडा है, मसले कांग्रेस हुई है तो कांग्रेस अधिकारी नहीं है अभी इधर यहाँ पे, कौन खड़ा होगा, कैंडिडेट कोई है नहीं पावर वाला, अभी ये भी कभी यार सवाल ही नहीं आता है। सही है, चलिए खैर इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, आपके क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेशतर जो नाम हम लोगों को अब तक सुनने में मिला है वो दो लोगों के बीच में ज़्यादातर लड़ाई देखी जा सकती है, मुफ्ती इस्माइल साहब और शेख आसिफ, ये दो चेहरे ऐसे हैं जिसमें जिसका ज़्यादा नाम अभी लिया जा रहा है जनता की तरफ से। अब खैर जैसा कि अभी आपने सुना कि 29 तारीख के बाद जब सारे लोग अपना नामांकन दाखिल कर देंगे उसके बाद शायद जनता किसी नतीजे पर पहुँचेगी, तब तक खुल के बात नहीं हो पाएगी, सही बात है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में।